हेलो गाइस, आज मैं आपको अपना एक प्राइवेट रूम दिखाता हूँ जहाँ पर आप काफ़ी रिलैक्स फील कर सकते हैं। चलिए आइए। ओके, तो आप रूम के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो लाइट के साथ आपको झलकियाँ दिखाते हैं। ये देखिए, ये है मेरा प्राइवेट रूम जहाँ पर आप अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं, और काफी ज्यादा पेड़ पौधे आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये देखिए, सारे लिविंग प्लांट जो आप अपने घरों के में अपने कमरों के अंदर लगा सकते हैं, बकायदा कितना अच्छी तरीके से प्लांटेशन किया गया है। इस रूम में आपको एक अच्छी वाइब्स आएंगी, काफी अच्छा लगेगा, आपको एक अच्छी वाइब्स आएंगी इसमें आपको रहने में। बाकी ऑब्वियसली मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि थोड़ा सा ये इंटीरियर देखिए, काफी अच्छा इंटीरियर कर रखे हैं यहाँ पर। आप कुछ भी सामान रख सकते हैं इस तरीके से। बाकी काफी अच्छे अच्छे पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। बात की जाए मेडिसिन के लिए, तो एक मेडिसिन किट भी रखी गई हुई है, और अच्छा इसमें इंटीरियर कर रखा है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी सामान रख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा पॉट लग रहा है, जिसमें प्यारा सा पौधा, और इसके साथ साथ एक बात की जाए तो ये देखिए टाइटैनिक शिप जहाज कितना प्यारा सा लग रहा है। इस कमरे की और भी अच्छी शोभा बढ़ा रहा है। और यहाँ पर स्टडी टेबल और स्टडी चेयर के साथ में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, और अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ भी विचार रख सकते हैं, और अपना सोच समझ सकते हैं लाइफ से रिलेटेड क्या करना है। उसके बाद आप आराम से यहाँ बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं इस तरीके से। काफी अच्छा बगल पर जो लैंप है उनका यूज नहीं किया गया है, यहाँ पौधों का यूज किया गया है बकायदा कवर्ड अच्छे तरीके से। बहुत प्यारा इंटीरियर तैयार किया गया है इस रूम का, आप देख सकते हैं किस तरीके से बैकग्राउंड रखा गया है, फोटो फ्रेम रखा गया है इस तरीके से, और बहुत प्यारा रूम इंटीरियर तैयार किया गया है। साथ के साथ अगर बात की जाए तो एक अच्छा बैकग्राउंड इंटीरियर आता है यहाँ से देखने को मिलता है इस तरीके से। आपको बात की जाए यहाँ से बैठे बैठे आप अपने टीवी को आराम से एंजॉय कर सकते हैं, और यू रिलैक्स कर सकते हैं आराम से। अब यू रिलैक्स करके और टीवी आराम ले सकते हैं। काफी अच्छा प्राइवेट रूम एक सिंगल व्यक्ति के लिए, एक अच्छे से तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं। आपको सारी सुविधाएं इस रूम में दी जाएगी, आपको प्राइवेट वॉशरूम साथ के साथ आपका एक वॉशरूम भी रहेगा इसमें, आपका अच्छा खासा वॉशरूम है प्राइवेट वॉशरूम। और बात की जाए पूरे रूम की, एक चीज और इसमें काफी अच्छी लगती है मेरे को, अगर मैं बात करूँ इन लैंप्स की, और इन लैंप का अच्छा खासा लुक जब आता है जब मैं बात करूँ, देखिए ये देखिए आप रूम का नजारा देखिए, आप पूरे रूम का नजारा देखिए, आपके क्या प्यारा नजारा है, नजारा देखने लायक है इस रूम का बेहतरीन नजारा। तो इस तरीके से अपना भी एक ड्रीम रूम तैयार कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने इस रूम को इस तरीके से, इस लुक के साथ में। आप यहाँ से काफी इंटीरियर अपने साथ कॉपी कर सकते हैं, और अपने लिविंग लाइफ में आप इस तरीके से एक अपना रूम भी रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और काफी अच्छा रूम। आई होप आप लोगों को सभी को पसंद आया होगा ये रूम। तो अगर मैं बात करूँ इसमें एक, जैसे कि अगर आप टीवी देखते देखते या अपना कुछ काम करते करते बोर हो रहे हैं, तो बोर होने की बात नहीं है, आप कुछ ना कुछ बनाने की सुविधाएं भी यहाँ पर है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर खाने के लिए अच्छा ऐसा आइटम रखा हुआ है, और साथ के साथ अगर आपको कॉफी बनानी है या चाय बनानी है, तो इसमें देखिए कॉफी है, इसमें आपका शुगर है, इसमें आपका मिल्क है, तो मिल्क पाउडर भी है, साथ के साथ कुछ केचप है, आप जलपिनो है, और आपका टेबल सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, काफी चीजें हैं, ऑर्गेनो ऑर्गेनो एंड चिली फ्लेक्स भी है यहाँ पर, काफी अच्छा है। इस तरीके से आराम से आप यहाँ पर अपना एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और इस फ्रिज में फिलहाल अभी एक पानी की बोतल है और एक एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है, ओके, काफी अच्छा है इस तरीके से। और खाना ठंडा अगर हो जाता है तो इस माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं, और
कॉफी बना सकते हैं इस तरीके से। ये भी काफी अच्छा इंटीरियर किया गया है, यहाँ पर भी इंटीरियर काफी अच्छा कर यूज किया गया है, बहुत अच्छा इंटीरियर है। यहाँ पर कॉफी मग मिलेंगे आपको, चाय कप मिलेंगे, ग्लासेस है, काफी अच्छा इंटीरियर तैयार किया गया है। और अगर बात करूँ इसमें स्नैक्स के लिए तो कुछ स्नैक्स है यहाँ पर, आप चाय और कॉफी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक छोटा सा किचन, और यहाँ आप अपने कवर्ड में कपड़े रख सकते हैं, कवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्राइवेट रूम जहाँ पर आप कुछ दिन के लिए अपने एंजॉय करना चाहते हैं या अपना प्राइवेट रूम इस तरीके से तैयार करना चाहते हैं अपने घर में, तो कर सकते हैं इस तरीके से। काफी अच्छा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको ये प्राइवेट रूम जहाँ मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ? ओके, आई होप आप सभी को इस रूम का देखकर काफी अच्छा होगा, काफी मजा आया होगा। ओके, बाय बाय, सी यू। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और लोगों की मदद करते रहिए।